नमस्कार दोस्तों, 25 जुलाई 2000 शाम के करीब 4 बजे एयर फ्रांस की फ्लाइट 4590 तैयार होती है टेक ऑफ के लिए। ये विमान पेरिस से न्यूयॉर्क जा रहा है, लेकिन ये कोई आम पैसेंजर फ्लाइट नहीं है, बल्कि ये फ्लाइट है सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड विमान की। ये एक ऐसा एरोप्लेन है जो साउंड की स्पीड से दुगनी तेजी से उड़ता है, यानी इसकी एक स्पीड कंपेयर कर सकते हो आप गन से निकली गोली से। आमतौर पर जो पैसेंजर फ्लाइट्स होती हैं नॉर्मल एरोप्लेन्स में, पेरिस से न्यूयॉर्क जाने के लिए 8 घंटे का समय लेती है, लेकिन सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड विमान ये सफर सिर्फ 3.5 घंटे में पूरा कर सकता है। एक और खास बात यह है कि ये फ्लाइट अमीर लोगों से भरी पड़ी है। कॉनकॉर्ड में उड़ान भरना एक लग्जरी कंसिडर किया जाता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि सिर्फ एक फ्लाइट टिकट पेरिस से न्यूयॉर्क जाने की और न्यूयॉर्क से वापस पेरिस आने की $12,000 कॉस्ट करती है। और ये मैं बात कर रहा हूं आज से 22 साल पहले की। अगर आप इन्फ्लेशन को अकाउंट में लो तो ये आज के $20,000 के बराबर है, यानी 15 लाख रुपए से ज्यादा की ये फ्लाइट टिकट थी। 4:40 ये फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए तैयार होती है, रनवे पे स्पीड अप करना शुरू करती है। जैसे ही ये रनवे पर तेज चलने लगता है विमान, एयरपोर्ट पर बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अचानक से देखते हैं कि कुछ आग सी जलने लग रही है प्लेन के नीचे। वो पायलट को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन पता चलता है कि प्लेन ऑलरेडी काफी तेज चलने लग चुका है और अब ये काफी लेट हो गया है फ्लाइट को अबॉर्ट करने के लिए। यहाँ पर अब प्लेन को रोका नहीं जा सकता। पायलट वापस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताते हैं। कुछ ही सेकंड्स में प्लेन हवा में उड़ जाता है और ये आग बढ़ती चली जाती है। देखते ही देखते ये आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। प्लेन में बैठे पायलट्स प्लेन को लेवल करने की कोशिश करते हैं, कुछ इंजन स्विच ऑफ कर देते हैं। पता चलता है प्लेन में अब इतनी स्पीड नहीं बची। एयरपोर्ट के पास मौजूद कुछ हाईवेज पर जा रहे लोग अपनी गाड़ियों से प्लेन को देखते हैं। ये दृश्य बहुत चौंका देने वाले होते हैं और पायलट्स कुछ ही मिनटों में पूरी तरीके से कंट्रोल लूज कर जाते हैं प्लेन पर, और ये प्लेन 15 किलोमीटर दूर पेरिस से एक होटल में जाकर क्रैश कर जाता है। इस क्रैश में 100 के 100 पैसेंजर्स जो प्लेन में थे और 9 के 9 क्रू मेंबर जो प्लेन में थे सब मारे जाते हैं। The world's most prestigious aircraft crashes. More than 100 people are dead. ये प्लेन क्रैश दुनिया को चौंका कर रख देता है। लोगों को यकीन नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? ये तो सबसे प्रेस्टिजियस एरोप्लेन है हमारा, दुनिया का सबसे टॉप क्लास एरोप्लेन, कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक एरोप्लेन, ये कैसे क्रैश कर सकता है? सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड एयरप्लेन्स की हिस्ट्री में ये पहला और इकलौता प्लेन क्रैश था जो हुआ। ना तो इससे पहले कोई कॉनकॉर्ड विमान क्रैश करा और ना ही इसके बाद कोई क्रैश करा, लेकिन इस एक प्लेन क्रैश ने सुपरसोनिक विमानों का इतिहास बदल कर रख दिया। The paper dart jetliner conceived jointly by Britain and France to shrink the world and cut air journey times in half. Supersonic transport is going to be built. We are going to be able to bring the world closer together in a true physical and time sense. In Concorde, suddenly no two places will be more than 15 hours apart. Concorde lived a life of superlatives and contradictions, but just a little too far ahead of her time. सुपरसोनिक शब्द दोस्तों साउंड से काफी रिलेटेड है, आवाज की गति से। जो आम तौर पर स्पीड ऑफ साउंड होती है सी लेवल पर, वो अप्रोक्सीमेटली 1236 किलोमीटर पर आवर होती है। अप्रोक्सीमेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हवा के तापमान पर भी इसकी स्पीड डिपेंड करती है। अगर हवा का टेम्परेचर ज्यादा या कम है तो स्पीड ऑफ साउंड थोड़ी ज्यादा या कम होती रहती है, लेकिन मोर और लेस इसी नंबर के अराउंड होती है। अब एक विमान कितनी तेजी से उड़ रहा है उसकी स्पीड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। मोटे मोटे तौर पर अगर स्पीड ऑफ साउंड से कम है उसकी स्पीड तो वो सबसोनिक एरोप्लेन हुआ, स्पीड ऑफ साउंड के आसपास है तो ट्रांसोनिक, स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है तो सुपरसोनिक, और 5 गुना से भी ज्यादा है तो हाइपरसोनिक। इन स्पीड्स को दोस्तों रेफर किया जाता है माक नंबर्स के द्वारा। माक नंबर बेसिकली रेशियो है एयरक्राफ्ट की स्पीड की और साउंड की स्पीड की। आमतौर पर जिन हवाई जहाजों में हम आजकल उड़ते हैं, जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है, तो वो सब सोनिक की कैटेगरी में आएंगे। जो कॉनकॉर्ड विमान था, और यहां पर मैं था कह रहा हूं क्योंकि आज के दिन ये विमान एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता इसकी हम आगे बात करेंगे, उसकी स्पीड होती थी 2160 किलोमीटर पर आवर। ये ऑलमोस्ट माक 2 के बराबर है और आजकल के हमारे पैसेंजर जेट्स माक 0.8 के बराबर है।
एज अ फन फैक्ट, अगर आप जानना चाहते हो आज के दिन जो सबसे तेज एरोप्लेन है वो कितनी स्पीड पर उड़ता है, तो वो है Mach 3.3, 3500 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा। और ये फाइटर जेट है Lockheed SR-71 Blackbird, जो इसका अगला मॉडल है SR-72, उसकी डेवलपमेंट अभी चलने लग रही है और माना जा रहा है कि साल 2025 में अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट करेगा और उसकी स्पीड बताई जा रही होगी Mach 6 से भी ज्यादा, 7400 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली। इस केस में ये सुपरसोनिक से भी ऊपर हाइपरसोनिक की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि ये कैटेगरी Mach 5 से लेकर Mach 10 की स्पीड्स के लिए होती है। अब सुपरसोनिक एरोप्लेन्स के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है दोस्तों? जब भी एरोप्लेन्स हवा में उड़ते हैं एक सोनिक बूम जनरेट होती है। विमान आवाज से भी तेज उड़ने लग रहे हैं। नॉर्मल पैसेंजर जेट्स के अराउंड जो साउंड की वेव्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से कर्व कर जाती हैं, लेकिन सुपरसोनिक स्पीड इतनी तेज होती है कि ये साउंड वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लग जाती हैं। तो इसकी वजह से एक बहुत ही तेज थंडर जैसी आवाज आती है, जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा धमाका हुआ हो। इसे सोनिक बूम कहा जाता है। और अगर आप जमीन पर खड़े हो, आपके ऊपर से कोई सुपरसोनिक एरोप्लेन गुजरता है, तो आपको ये सोनिक बूम सुनाई देगी। इसे आप कंपेयर कर सकते हो जब आप एक बैलून को पिन से फोड़ते हो तो अंदर की हवा का प्रेशर बहुत तेजी से रिलीज होता है, जिसकी वजह से बहुत तेज आवाज आती है फटने की। यही चीज एक बड़े स्केल पर होती है सुपरसोनिक एरोप्लेन्स में। इस चीज को बहुत से लोग वेपर क्लाउड से कंफ्यूज कर जाते हैं। ये जो फोटोज आप देखोगे कि एक क्लाउड सा फॉर्म होने लग रहा है जब एरोप्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं, ये वेपर क्लाउड सुपरसोनिक एरोप्लेन्स में भी फॉर्म होते हैं, लेकिन ये ट्रांसोनिक में भी फॉर्म हो सकते हैं। अब ये एक ऐसा फिनोमेना है जो तब होता है जब एक ट्रांसोनिक एरोप्लेन मॉइस्ट एयर में उड़ रहा हो, हवा में जब बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो, तो उसके विंग्स के अराउंड एयर प्रेशर बहुत तेजी से ड्रॉप कर जाता है और टेम्परेचर भी ड्रॉप कर जाता है। तो हवा में मौजूद मॉइस्चर एक्चुअली में क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा अक्सर होता है कि क्लाउड वेपर वाला इफेक्ट तब देखने को मिलता है जब एक एरोप्लेन साउंड बैरियर को तोड़ता है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि ये तभी देखने को मिले। अब सुपरसोनिक फ्लाइट्स की दोस्तों एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है। आपको ये सारी बातें सुनकर लगेगा कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन एक्चुअली में इंसानों ने 1947 में ही सुपरसोनिक बैरियर को ब्रेक कर दिया था। Cracking the sound barrier in the X-1 marked another milestone in aviation history. October 14th, 1947 में मेजर चार्ल्स येगर US Air Force के ये पहले पायलट थे जिन्होंने एक एरोप्लेन को उड़ाया सुपरसोनिक स्पीड पर। ये चीज इन्होंने करी थी अमेरिका में मोहावे डेजर्ट के ऊपर। इसके तुरंत बाद ही बड़े बड़े बिजनेसमैन और कमर्शियल एविएशन कंपनीज को भी इंटरेस्ट आने लगा सुपरसोनिक फ्लाइट्स में। इन्होंने पूछा कि ये सिर्फ मिलिट्री जेट्स ही क्यों सुपरसोनिक फ्लाइट्स करें, क्यों ना हम आम लोगों के लिए, पैसेंजर्स के लिए भी अब ऐसे एरोप्लेन्स बनाए, फ्लाइट्स बनाए जो सुपरसोनिक स्पीड्स पर चल सके। करीब 10 साल तक इस चीज पर काफी काम हुआ, लेकिन अर्ली 1960s में कोल्ड वॉर चल रही थी यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में, तो यूएसए की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री थी उसने अपना फोकस स्पेस पर लगा दिया। उन्हें चांद पर जाने में ज्यादा इंटरेस्ट था, स्पेसक्राफ्ट्स डेवलप करने में ज्यादा इंटरेस्ट था एरोप्लेन्स के कंपैरिजन में। तो सुपरसोनिक सेक्टर में जो डेवलपमेंट्स हो रही थी वो यूरोप में शिफ्ट हो गए। फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर साथ में एक $multi-billion डील साइन करी, रिसर्च करी। ब्रिटेन एंड फ्रांस joined forces on the project. In 1962, a formal agreement was signed between both nations to bring Concorde into being. This one project committed both nations to Europe's largest technological enterprise. On 29th November 1962 ko dono sarkaron ne Concorde agreement ko duniya ke samne lakar rakha. इस एग्रीमेंट के तहत दोनों सरकारें मिलकर यहां पर एक सुपरसोनिक जेट लाइनर बनाएंगी जिसे पैसेंजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ मिलिट्री के लिए नहीं। कुछ ही सालों बाद मार्च 1969 में पहली कॉनकॉर्ड विमान की सक्सेसफुल फ्लाइट उड़ी। और देखते ही देखते कुछ और सालों बाद कॉनकॉर्ड दुनिया की पहली सुपरसोनिक फ्लाइट बन गई, जहां पर सिविलियंस, सिर्फ मिलिट्री के लोग नहीं बल्कि सिविलियंस भी अब ट्रैवल कर सकते थे सुपरसोनिक स्पीड्स पर। इस फ्लाइट की टैगलाइन बनी अराइव बिफोर यू लीव, क्योंकि एटलांटिक ओशन को क्रॉस करके यूरोप से अमेरिका आधे टाइम में पहुंचा सकती थी। कॉनकॉर्ड के लिए बड़ी प्रेस्टीज की बात है कि आज के दिन तक ये इकलौता कमर्शियली उड़ने वाला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट रहा है। वैसे आज के दिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 90% एरोप्लेन्स जो बनते हैं वो दो कंपनीज के द्वारा बनाए जाते हैं, एयरबस और बोइंग। इन दो कंपनीज की ऑलमोस्ट एक डुओपॉली है दुनिया भर के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। कॉनकॉर्ड एरोप्लेन्स अपने आप में बहुत यूनिक थे। शायद से सबसे यूनिक चीज इन एयरक्राफ्ट्स के बारे में थी
इनका जो नोज वाला पार्ट होता है, इनके फ्रंट का ये नोज एक्चुअली में ऊपर नीचे करके एडजस्ट किया जा सकता था टेक ऑफ और लैंडिंग्स के समय पायलट्स, ताकि देख सकें, विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी हो, ये नोज नीचे की तरफ ड्रूप किया जा सकता था। और जब एरोप्लेन आसमान में तेजी से उड़ रहा हो तो इसे बेटर एरोडायनेमिक्स के लिए वापस ऊपर किया जा सकता था। इंटीरियर इसका इतना बड़ा नहीं था आज के एरोप्लेन्स के कंपैरिजन में, सिर्फ 100 पैसेंजर्स ही बैठ सकते थे, लेकिन शुरुआत में इंटीरियर बड़ा सिंपल टाइप का हुआ करता था। धीरे धीरे टाइम के साथ ये और लग्जरियस बनता गया, क्योंकि इस एरोप्लेन की टिकट खरीदना इतना सस्ता नहीं था। तो जब वैसे ही अमीर लोग इसकी टिकट खरीद रहे थे तो इस एयरलाइंस ने सोचा कि जो इंटीरियर है इसे और लग्जरियस टाइप का बना दिया जाए। टाइम के साथ साथ शैंपेन और कैवियर जैसी चीजें भी सर्व करे जाने लगी इसमें, और इस एरोप्लेन में ट्रैवल करना एक तरीके का स्टेटस सिंबल बन गया लोगों के लिए। 1990s में दुनिया भर के जो सबसे बड़े सुपरस्टार्स थे, सेलिब्रिटीज थे, स्पोर्ट्स स्टार्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे, सब ने कॉनकॉर्ड विमान में एक ना एक फ्लाइट जरूर ली। फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर भी इस फ्लाइट में बैठे थे। अपने पूरे करियर के दौरान कॉनकॉर्ड का एक बहुत ही जबरदस्त सेफ्टी रिकॉर्ड रहा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी इन फ्लाइट्स में। आज तक एक भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, 25 साल से ज्यादा हो गए थे इस प्लेन को उड़ते हुए। सबकी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता था, लग्जरी भी थी यहां पर, लेकिन ये सब बदल गया 25 जुलाई 2000 को। एयर फ्रांस की फ्लाइट 4590 जब क्रैश कर जाती है पेरिस के पास, इसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। प्लेन में मौजूद 109 के 109 लोग मारे जाते हैं इस क्रैश में। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि जो इससे पहले प्लेन उड़ा था रनवे पर, उसने एक 17 इंच का मेटल का टुकड़ा रनवे पर छोड़ दिया था। और जब ये वाली एयर फ्रांस की फ्लाइट रनवे पर आई उड़ान भरने के लिए, तो ये जो छोटा सा मेटल का टुकड़ा था ये इसके टायर में जाकर फंसा, इससे टायर कट गया। टायर पंचर नहीं हुआ, लेकिन टायर के जो फिर छोटे छोटे पीसेस हुए वो प्लेन के लेफ्ट विंग के नीचे बड़ी ही तेज स्पीड से लगे। इसकी वजह से एक बहुत ही हाई प्रेशर शॉक वेव क्रिएट हुई, जिसकी वजह से फ्यूल टैंक फट गया। प्लेन हवा में उड़ा तक नहीं था कि फ्यूल लीक होना शुरू हो गया, और क्योंकि बहुत ज्यादा हीट होती है वहां पर, प्लेन के पहिए इतनी तेजी से घूम रहे होते हैं, प्लेन का इंजन चल रहा होता है, तो उस हीट की वजह से अब इस फ्यूल पर आग लग गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने नोटिस किया इस आग को जलते हुए, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, प्लेन को रोका नहीं जा सकता था, तो प्लेन उड़ गया। आग बड़ी ही तेजी से फैलती गई, आग को कंट्रोल में नहीं ला सके प्लेन के पायलट्स, उन्होंने इंजन ऑफ करने की कोशिश करी, प्लेन धीरे होता गया और इवेंचुअली एक होटल में जाकर क्रैश कर गया। और जैसा मैंने बताया, इस इंसिडेंट ने दुनिया के लोगों को चौंका कर रख दिया, क्योंकि अभी तक हर कोई मानता आ रहा था ये प्लेन लेना कितना सेफ है, कितने प्रेस्टीज की बात है, कितने स्टेटस की बात है। इसे टाइटैनिक से कंपेयर किया जा सकता है। टाइटैनिक जहाज को लोग मानते थे कि ये कितना बड़ा जहाज है, ये तो कभी डूब ही नहीं सकता। ये कॉनकॉर्ड कितना बड़ा प्रेस्टीजियस एरोप्लेन है, ये तो कभी क्रैश हो ही नहीं सकता। इस क्रैश के बाद प्लेन की रेपुटेशन बहुत ज्यादा गिर गई। एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज दोनों ने फैसला लिया कि टेम्परेरली वो रिटायर कर देते हैं सारी कॉनकॉर्ड फ्लाइट्स को, जब तक वो और इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट नहीं करते। कुछ महीने बाद नवंबर 2001 में वो वापस से कॉनकॉर्ड की फ्लाइट्स को रीइंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस कभी वापस रिकवर कर ही नहीं पाता। इसके पीछे कई रीजंस हैं। प्लेन क्रैश से हुई खराब रेपुटेशन एरोप्लेन की, ये तो ऑब्वियस सा रीजन सामने आता ही है, लेकिन इसके अलावा 2001 नवंबर में जिस टाइम पर ये एरोप्लेन को रीइंट्रोड्यूस किया गया वो एक बहुत ही खराब समय था, क्योंकि सितंबर 2001 में हम सब जानते हैं क्या हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था, उसके बाद पूरी एयरक्राफ्ट की इंडस्ट्री ठप हो गई थी, लोगों ने डर में आकर एरोप्लेन में ट्रैवल करना कम कर दिया था। इसके अलावा इस प्लेन की अपने आप में भी कुछ कमियां थी। जिस सोनिक बूम के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बारी एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ही कमाल की चीज लगती है, लेकिन अगर आप रोज अपने घर के ऊपर से एक सोनिक बूम को सुनते रहोगे तो आप फिर ये परेशानी बन जाएगी। जो जमीन पर रहने वाले लोग थे जिनके ऊपर से ये सुपर सोनिक एरोप्लेन गुजरता था, वो बड़े परेशान थे इसको लेकर। नॉइज लेवल्स बहुत ज्यादा थे इस कॉनकॉर्ड के। नॉइज लेवल्स को कम रखने के लिए इन एयरलाइंस वालों ने क्या किया था, इन्होंने कहा कि कॉनकॉर्ड का जो फ्लाइट रूट है हम पानी के ओशन के ऊपर से ही ज्यादा रखें, लैंड के ऊपर से कम कर दें। लेकिन फिर भी जिन लोगों के घर एयरपोर्ट्स के पास थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कॉनकॉर्ड्स को लेकर। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी फ्यूल कंजम्पशन को लेकर। एक आम पैसेंजर एरोप्लेन के कंपैरिजन में कॉनकॉर्ड का जो फ्यूल कंजम्पशन था वो 4 गुना ज्यादा था, तो ये ना तो एनवायरमेंट के लिए अच्छा था ना ही इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा था। और फाइनली आखिरी बड़ी वजह, इन प्लेन्स को मेंटेन करने ही कॉस्ट और ऑपरेट करने ही कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई थी। ब्रिटिश एयरवेज के लिए साल भर की कॉस्ट इनकी कॉनकॉर्ड फ्लीट को मेंटेन करने की 1 बिलियन पाउंड्स पड़ती थी, जो कि उस जमाने की बात है। आज के टाइम में ये 1.7 बिलियन पाउंड्स के आसपास होगा। और अगर आप एक पैसेंजर के पर्सपेक्टिव से सोचो, 15 लाख रुपए एक फ्लाइट टिकट पर स्पेंड करना जल्दी पहुंचने के लिए, लेकिन एंड में आप बैठ तो इसी सीट पर रहे हो जो कोई इतनी ज्यादा बड़ी सीट भी नहीं है,
इससे अच्छा एक बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास की टिकट पर ये पैसा स्पेंड कर लो, कम से कम लेट कर सो जाओ, ज्यादा लग्जरी मिलेगी उस सेंस में। तो वैसे भी इसकी डिमांड इतनी ज्यादा हाई नहीं थी, लेकिन जितनी भी कसर बची थी वो उस प्लेन क्रैश ने पूरी कर दी, और रेपुटेशन जब नीचे गई तो ये कॉनकॉर्ड फ्लाइट्स खाली उड़ने लगी। इन्हीं सब रीजंस की वजह से साल 2003 में एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज ने फैसला लिया कि वो अपनी कॉनकॉर्ड फ्लाइट्स को बंद कर देंगे परमानेंटली, और 24 अक्टूबर 2003 को आखिरी कमर्शियल कॉनकॉर्ड फ्लाइट उड़ी। ये आखिरी सुपरसोनिक फ्लाइट भी थी दुनिया के इतिहास में। आज के दिन ऑलमोस्ट 20 साल बाद भी कोई सुपरसोनिक कमर्शियल फ्लाइट एग्जिस्ट नहीं करती है। आमतौर पर जब हम किसी भी टॉपिक की बात करते हैं, किसी भी सेक्टर की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती है, लेकिन ये एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर टेक्नोलॉजी वापस पीछे चली गई है। लॉजिकली सोचोगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, आज के दिन सुपरसोनिक फ्लाइट्स और भी कॉमन हो जानी चाहिए थी। कौन नहीं जल्दी पहुंचना चाहता, एरोप्लेन्स और तेज ट्रेवल करें, हर कोई चाहता है ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहानी यही है। लेकिन अच्छी खबर पता है क्या है, आज नहीं तो कल सुपरसोनिक एरोप्लेन्स अपनी वापसी जरूर करेंगे। इस टेक्नोलॉजी में जो भी कमियां हैं उन पर काम किया जा रहा है, सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। हाल ही में एक स्टार्टअप उभर कर आया है बूम नाम से, जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को बनाता है, और यूनाइटेड एयरलाइंस एक मेजर अमेरिकन एयरलाइन है, इसने अनाउंस किया है कि इन्होंने 15 प्लेन्स ऑर्डर किए हैं इस स्टार्टअप से। ये प्लेन्स मार्क 1.7 की स्पीड पर ट्रैवल करेंगे। इनका नाम इन्होंने रखा है ओवरचर एयरक्राफ्ट। अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है और सब चीजें एज प्लान चलती हैं, तो वापस रनवे पर इन एरोप्लेन्स को आप देखोगे साल 2029 में। 2029 वो साल होगा जब शायद से हम लोगों को वापस से एक सुपरसोनिक एरोप्लेन में बैठने का मौका मिल पाएगा। एनवायरमेंटल डैमेज जो एक नेगेटिव पॉइंट था, उसे काउंटर करने के लिए इस कंपनी ने कहा है कि ये सिर्फ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बना है। इन्होंने ये भी कहा है कि इनका जो एयरक्राफ्ट बनता है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन से बनता है, यानी कोई एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं की जाती इस प्रोसेस में। लेकिन एनवायरमेंटल इंपैक्ट को इतना कम रखना, प्राइस को इकोनॉमिकली फीजिबल बनाना और टेक्नोलॉजी को टाइम के साथ डेवलप करना इतना आसान भी नहीं होने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, ओवरचर एयरक्राफ्ट्स अगर आ भी जाते हैं 2029 में, इनकी स्पीड कॉनकॉर्ड के मुकाबले में फिर भी कम ही रहेगी। ये मार्क 1.7 पर उड़ेंगे मार्क 2.0 के कंपैरिजन में, जिस पर कॉनकॉर्ड उड़ता था। तो इनके बाद भी कॉनकॉर्ड दुनिया का सबसे तेज चलने वाला पैसेंजर जेट रहेगा। लेकिन इस स्पीड पर भी एक डायरेक्ट फायदा यह होगा कि दुबई से सिंगापुर की फ्लाइट, जो कि आज के दिन 7 घंटे लेती है, इन एरोप्लेन्स में सिर्फ 4 घंटे का समय लेगी। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो बाकी एरोप्लेन रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं आप मेरे, जहां पर मैंने ऐसी ही और एरोप्लेन मिस्ट्रीज की बात करी है। इस प्लेलिस्ट पर जरूर क्लिक करिए और वेस्टेड